नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत श्लोक गायन की श्रृंखला में आज हम जो श्लोक सिखाने जा रहे हैं उसमें श्रेष्ठ एवं गुणवान व्यक्तियों की संगति में रहने की प्रेरणा दी गई है। सत्संगति के परिणाम स्वरूप मनुष्य में अच्छे गुणों का उदय होता है। आइए अब प्रत्येक शब्द के साथ इसके अर्थ को समझते हैं। जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात अच्छे व्यक्तियों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। आप ही कहें कि सज्जनों की संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान और गुणवान योग्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, तब उसमें स्वयं ही अच्छे गुणों का उदय होता है। श्रेष्ठ एवं गुणवान व्यक्तियों की अनुभूत शिक्षाएं ग्रहण करना, उनके साथ अपना संपर्क रखना आदि के द्वारा सत्संगति की जा सकती है। सत्संगति से मनुष्य में धैर्य, साहस और सांत्वना का संचार होता है। यह निराशा में आशा का संचार करती है, यह मनुष्य को सही राह पर चलने में मदद करती है और मन को पवित्र करती है। दोष और गुण सभी संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जितने दुराचार, दुष्चरित्रता और दुर्व्यसन होते हैं, कुसंगति के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। किंतु सत्संगति के प्रभाव से साधारण मनुष्य भी महान बन जाते हैं। विद्यार्थियों को सदैव अच्छे व्यक्तियों के साथ संपर्क रखना चाहिए। इससे वे निश्चय ही सदाचारी, आज्ञापालक, गुणवान और अनुशासन प्रिय बनेंगे। आइए अब इस श्लोक का सस्वर उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं। जाड्यं धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगतिह कथय किं न करोति पुंसाम्। जाड्यं धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम्, मानोन्नतिं दिशति, पापम् अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिम्, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्।